बी टाउन स्टार किड्स आए दिन पेपराजू के कैमरे में कैप्चर हो ही जाते हैं। अजय और काजोल की बेटी निशा भी आए दिन इसी चक्कर में लाइमलाइट में रहती हैं, जबकि अभी तक उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री नहीं की है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते या कैजुअल आउटिंग के दौरान उन्हें कैप्चर कर ही लिया जाता है। इस मामले में अपनी बेटी की तारीफ करते हुए काजोल ने कहा कि उनकी बेटी निशा पेपराजी को बड़े अच्छे से हैंडल कर रही हैं। उसकी जगह अगर वो खुद होती तो शायद अब तक उनकी चप्पल निकल चुकी होती। काजोल ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को पेपराजी को डील करने के लिए कोई टिप्स नहीं दिए, वो जो सीख रही है वो अपने अनुभव से सीख रही है और वो बहुत ही ग्रेसफुली इन चीजों को हैंडल करती है। अगर उसकी जगह में मैं होती तो मेरा चप्पल बहुत पहले निकल चुका होता। इसी के साथ काजोल ने एक पुराना किस्सा भी सुनाया, जब निशा फोटोग्राफर्स को देखकर इतना डर गई थी कि रोने लगी थी। काजोल ने बताया कि वो जयपुर गई थी और निशा उनके साथ ही थी। 20-25 फोटोग्राफर्स ने उन्हें घेर लिया था। निशा सिर्फ 2 साल की थी। इन सब को देखकर वो रोने लगी थी और वो निशा को लेकर सीधा कार की ओर दौड़ी और उस समय काजोल ने बेटी को समझाया कि ये लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये उनका काम है, इसलिए परेशान ना हो। बता दें कि ये कहना तो काजोल का सही है कि निशा अच्छे से पेपराजी को हैंडल करती है, क्योंकि निशा कई बार ट्रोल हो चुकी है। प्राइवेसी का ध्यान न रखते हुए पेप्स निशा के कई बार ऐसी वीडियो और फोटो ले चुके हैं जिसकी वजह से बाद में उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ चुका है। वहीं कई बार उन्हें ड्रेसिंग तो कई बार डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए भी ट्रोल किया जा चुका है। यूजर्स का कहना है कि निशा की पहले और अब की लुक्स में जमीन आसमान का फर्क है जो बिना सर्जरी के नहीं हो सकता। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।